हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर इन्जॉयिंग गुड हेल्थ, गुड लर्निंग। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक सिंथेसिस के बारे में जानते हैं। सिंथेसिस यानी संश्लेषण, कैसे संश्लेषित करते हैं वाक्यों को, सेंटेंसेस को। आपको मालूम है तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंथेसिस में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, या दो सिंपल सेंटेंसेस को या अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बना दीजिए, या एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। इसी तरह कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बोला जाता है इसको सिंपल सेंटेंस में या कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, ये अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, कंपिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आपको मालूम है पहला देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, यानी मेन वर्ब होती है। आपको मालूम है फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है, वही फाइनाइट वर्ब होती है। तो किसी भी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा, और कोई यदि वर्ब होगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। नॉन फाइनाइट आपको मालूम है या तो जिरंड होगा या पार्टिसिपल होगा या इन्फिनेटिव होगा। इस पर मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब से, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देखें और ओपन करके उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब आसानी से समझ में आ जाए। जनरली हम समझ लेते हैं फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता है। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और फाइनाइट वर्ब होगा। जैसे ही सा एन एलिफेंट, ही रैन अवे। तो यहां पे देखिए ही सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस है ही रैन अवे, वह भाग गया। यहां पे रैन जो है फाइनाइट वर्ब है। तो एक सिंपल सेंटेंस ए हुआ और एक सिंपल सेंटेंस ए हुआ। अब इसमें अगर क्लास के अनुसार देखें तो ही सा एन एलिफेंट, उसने एक एलिफेंट देखा, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। सेकेंड सेंटेंस है ही रैन अवे, वह भाग गया, यह भी अपने आप में कंप्लीट सेंस है। तो क्लॉज वाइज अगर इसे देखें तो यह भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। अब यदि इसको एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सिंपल सेंटेंस ये हो गया, यानी ही सा एन एलिफेंट एक सिंपल सेंटेंस क्योंकि एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, दूसरा सिंपल सेंटेंस ही रैन अवे, एक सब्जेक्ट है ही और एक फाइनाइट वर्ब रैन, दोनों को जोड़ करके आप एक सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, यानी एक ही सब्जेक्ट रहे और एक ही फाइनाइट वर्ब रहे। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? सीन एन एलिफेंट ही रैन अवे। अब यहां देखिए सीन, इसको हमने पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, सा को पार्टिसिपल कर दिया सीन। सीन एन एलिफेंट, एलिफेंट को देखकर वह भाग गया, ही रैन अवे। अब यहां पे देखिए एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, और पार्टिसिपल का यूज करके हमने दूसरे वर्ब को
सा को जो फाइनाइट वर्ब था नॉन फाइनाइट कर दिया सीन करके, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस बन गया। अब देखिए इसी चीज को यदि हम कहें ही सा एन एलिफेंट ही रैन अवे, इसको आप कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दीजिए तो आपको मालूम है सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ही सा एन एलिफेंट एंड ही रैन अवे, तो हमने इसको कंपाउंड कर दिया एंड जोड़ के, एंड ही सा एन एलिफेंट ये कंप्लीट सेंस दे रहा है इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड ही रैन अवे ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया हमने एंड लगा के, तो अब ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। यहां भी देखिए ही सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, यहां देखिए यहां भी ही जो है सब्जेक्ट है, रैन फाइनाइट वर्ब है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने जोड़ दिया एंड लगा के, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसी तरह यदि ये दो सिंपल सेंटेंस है ही सा एन एलिफेंट ही रैन अवे, यदि बोला जाए इसको कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं, तो एज ही सा एन एलिफेंट ही रैन अवे, जैसे ही उसने एलिफेंट देखा वह भाग गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यदि बड़ा सेंटेंस है तो एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। एज ही सा एन एलिफेंट, जैसे ही उसने एलिफेंट को हाथी को देखा, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज की मीनिंग हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करती है। ही रैन अवे, वह भाग गया, यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसकी मीनिंग निकल रही है। तो यदि हम बोलें एज ही सॉ एन एलिफेंट ही रैन अवे, तब इसकी मीनिंग पूरी की पूरी निकल रही है। तो यह सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया एज ही सॉ एन एलिफेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ही रैन अवे इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जीरंड से, पार्टिसिपल से या इन्फिनिटिव से, जबकि कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जोड़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो आइए कुछ हम और देखते हैं कि कैसे इसे जोड़ा जाता है। सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो या तो ये पार्टिसिपल बन जाता है या तो जीरेंड बन जाता है। हैविंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो भी सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बनाकर भी हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर नॉर, एंड, एल्स, बट, येट, हाउएवर, सो, देयरफॉर, अदरवाइज, नेवरदीलेस, एटसेट्रा। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आता है, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए।
इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यदि बनाना हो तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या जोड़ेंगे, जो भी सबॉर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उनको जोड़ करके जब हम सिंपल सेंटेंसेस को बनाते हैं जोड़ करके कॉम्प्लेक्स, तो वो कॉम्प्लेक्स बनता है। उसमें क्या लगता है, दैट, हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाटएवर, वेयर एवर, एज सून एज, व्हाई, इफ, लेस देन, बिकॉज, एज इफ, इवन इफ, एज। तो यदि ये किसी भी सेंटेंस में लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आइए अब जानते हैं सिंपल सेंटेंसेस को, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। ये सिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर एग्जाम्स में आते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसके बहुत सारे नियम हैं। पहला नियम आप देख रहे हैं, एंड का प्रयोग करके या एडजेक्टिव का प्रयोग करके, एडवर्ब का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, जो पार्टिसिपल तीन होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, इन का प्रयोग करके हम कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई नीड टू बाई ए पेंसिल, और सेकेंड सेंटेंस है, आई नीड टू बाई ए पेन ऑल्सो, मुझे एक पेंसिल खरीदने की आवश्यकता है, और सेकेंड सेंटेंस है कि मैं एक पेन भी खरीदना चाहता हूं, आवश्यकता है। तो ऐसे कंडीशन में यदि हम एंड लगा दें तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगा। जैसे आई नीड टू बाई ए पेंसिल एंड ए पेन, आई नीड टू बाई ए पेंसिल एंड ए पेन। अब यहां पे ये एक फाइनाइट वर्ब है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, एंड लगाने से ये दो सिंपल सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह रोहन रेड ए बुक, द बुक वॉज ओल्ड, रोहन ने एक किताब पढ़ा, वह किताब पुरानी थी, तो एडजेक्टिव लगा देंगे ओल्ड, रोहन रेड एंड ओल्ड बुक, रोहन रेड एंड ओल्ड बुक। तो इसमें देखिए एक ही फाइनाइट वर्ब होगा रेड, और यहां पे ओल्ड एडजेक्टिव है, बुक यहां नाउन है। तो इस तरह से एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। अगला एग्जांपल है, सी वेंट टू स्कूल, सी वॉज पंचुअल, वह स्कूल गई, वह पंचुअल थी, यानी नियमित थी। अब इसमें हम जब इसे सिंपल एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, सी वेंट टू स्कूल पंचुअली, पंचुअल को हमने बना दिया पंचुअली, एडवर्ब बना दिया, तो अब एक सिंपल सेंटेंस बन गया। नितिन वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज, नितिन आगरा गया, अगला सेंटेंस है, वह ताजमहल देखना चाहता था, इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, नितिन वेंट टू आगरा टू सी द ताज, टू सी, अब जब सी के आगे टू लग गया, इन्फिनिटिव बन गया, तो ये नॉन फाइनाइट हो गया, और सिंपल सेंटेंसेस में ये जरूरी है कि ये एक ही फाइनाइट वर्ब हो, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरह से ये बन गया आपका, नितिन वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अगला एग्जांपल है, प्राची बॉट ए पेन, सी गेव 10 रुपीज फॉर इट, प्राची ने एक पेन खरीदा, उसने 10 रुपीज इसके लिए दिया। तो इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग लगा के हम इसको कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, प्राची बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज,
प्राची बॉट ए पेन फॉर 10 rupees। तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है। अगला एग्जाम्पल है ही saw a lion, he ran away। उसने एक शेर देखा, अगला सेंटेंस है वह भाग गया। अब इसको पार्टिसिपल यूज करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। सीइंग ए लायन ही रैन अवे। सीइंग ए लायन प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिए। सीइंग ए लायन ही रैन अवे, एक ही सब्जेक्ट, एक ही फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस के लिए जो आवश्यक होता है एक फाइनाइट वर्ब वो इसमें है और दूसरे फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट हमने बना दिया। अगला एग्जाम्पल है आई वॉज टायर्ड, आई टुक रेस्ट। मैं थका हुआ था, मैंने रेस्ट किया। इसको जब एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, बीइंग टायर्ड आई टुक रेस्ट, यहां भी पार्टिसिपल का प्रयोग किया हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। बीइंग टायर्ड थके होने के कारण मैंने रेस्ट किया। Being tired, I took rest। तो एक सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। अगला एग्जाम्पल है I found my mobile, it was lost। मुझे मेरी मोबाइल मिल गई। अगला सेंटेंस है यह गायब हो गई थी। इसको जब एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे I found my lost mobile। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों प्रयोग किया हमने? लॉस्ट यहां पे जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव का ये बोध कराने लगता है, तो इसको हम फाइनाइट वर्ब नहीं कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, आई यहां पे सब्जेक्ट है, फाउंड फाइनाइट वर्ब और लॉस्ट यहां पे पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। इसको जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे। ये भी पार्टिसिपल हमने यूज किया, हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे। इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल है रमेश वॉज डिफीटेड बाई राम, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। इसको जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे Having been defeated by Ram, Ramesh was much disappointed। तो यहां पर भी हमने पार्टिसिपल का यूज किया having been का, क्योंकि यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस था इसलिए having been लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो इसमें भी एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला एग्जाम्पल है Ram is a doctor, he is very smart। तो यहां पे हम नाउन आर फ्रेज ए पोजिशन का प्रयोग करेंगे, राम ए डॉक्टर इज वेरी स्मार्ट। अगला एग्जाम्पल है द वेदर वॉज डिस्टर्बिंग द प्लेन गॉट लेट। इसको जब हम चेंज करेंगे द वेदर बीइंग डिस्टर्बिंग द प्लेन गॉट लेट। तो इस तरह से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जब एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो नॉन फाइनाइट वर्ब का भी प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करेंगे, जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव हैविंग बीन हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन सब चीजों का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा आपने देखा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड में कैसे चेंज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और जो पार्ट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके दो बार, तीन बार, चार बार देखिए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। यदि आपको लगता है कि आपको फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में कम जानकारी है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट रखा हुआ है,
आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का वीडियो देख सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करके। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं उसके वीडियोस देख सकते हैं ग्रामर प्लेलिस्ट पे लिंक करके, उस लिंक पर क्लिक करके। तो निश्चित रूप से जो सिंथेसिस को लेकर के बच्चों के अंदर एक बेचैनी होती है वो बेचैनी निश्चित रूप से सॉल्व होगी। आप इन सारे वीडियोस को वीडियो डिस्क्रिप्शन से देखिए और इसके बाद इस वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको बहुत आसानी से सिंथेसिस के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होंगे ये भी जानकारी आपको पूरे अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगी। हैप्पी लर्निंग।